मुंबई में एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो चुकी है। इसी के साथ पानी भरने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अगले 24 घंटे तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मुंबई में एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, तेज बारिश शुरू हो चुकी है। मुंबई में एक बार फिर से बरसात ने जो है वो रफ्तार पकड़ी है। तेज बरसात शुरू हो चुकी है, उसके साथ ही मुंबईकरों की मुश्किलें भी शुरू हो चुकी हैं। और बरसात का आलम यह है कि जल जमाव की स्थिति अब आपको यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ेगी कि जल जमाव किस तरह से होना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेताया है कि अगले 24 घंटे जो है वो तेज बरसात हो सकती है। उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से व्यवस्था के इंतजाम किए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बरसात रफ्तार पकड़ना शुरू हो चुकी है, जल जमाव की स्थिति शुरू हो चुकी है और ऐसे में कहीं ना कहीं मुंबईकरों की मुसीबतें भी बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। आशीष सिंह, न्यूज 18 इंडिया। और इस बीच दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। पिछले करीब 1.5 महीने से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो दिल्ली के लिए अच्छी खबर, दिल्ली वाले जो गर्मी से निजात पाने के लिए मानसून का इंतजार कर रहे थे, बारिश का इंतजार कर रहे थे, अब उनका ये इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ मौसम विभाग ने कहा है कि जल्द मानसून दिल्ली पहुंचेगा, इस सब के बीच हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और दिल्ली वालों को गर्मी से निजात मिलती हुई दिख रही है। उधर चंडीगढ़ में सुबह सुबह तेज बारिश हुई जिससे वहां का मौसम सुहावना हो गया, लेकिन सड़कों पर भरा पानी भी मुसीबत बढ़ा रहा है। मौसम विभाग की माने तो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अगले 72 घंटे तक जोरदार बारिश होती रहेगी और आसमान पर काले बादल छाए रहेंगे। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बुधवार की देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। सुबह तड़के भी काफी बरसात देखने को मिली। इस वक्त मैं आपको चंडीगढ़ की तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां पर जो अंडरपास है वहां पर आप देखिए कि किस तरह से मशक्कत करनी पड़ रही है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की बस है जो कि इस वक्त यहां से गुजर रही है और आप पानी देख सकते हैं अंडरपास में कितना भरा है कि इस बस को यहां से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और जो अन्य गाड़ियां और व्हीकल भी यहां से गुजर रहे हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वो या तो डाइवर्ट हो जाएं, रास्ता बदल लें या फिर ध्यान से निकले। आप देखिए जो सामने आपको एक गाड़ी दिखाई देगी जो कि यू टर्न ले रही है, किसी की भी हिम्मत नहीं हो पा रही कि इस अंडरपास में जो पानी भरा है उससे वो निकल सकें। और ऐसा हर साल इस अंडरपास पर देखने को मिलता है कि लोग यहां पर भारी पानी जमा होने की वजह से फंस जाते हैं, अपनी गाड़ियां नहीं निकाल पाते हैं। तो फिलहाल चंडीगढ़ की पूरी रफ्तार जो है वो तेज बरसात ने थाम के रख दी है, लेकिन लोग इस बात से खुश हैं कि बारिश से मौसम काफ़ी सुहाना होगा और इस बात से लोगों को काफ़ी राहत भी मिली है। चंडीगढ़ से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज 18 इंडिया। उधर राजस्थान के अजमेर में भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही लोगों को पिछले काफी दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। कल अजमेर और उसके आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई। हालांकि मॉनसून की पहली बारिश ने ही नगर निगम के उन दावों की भी पोल खोल कर रख दी जहां पर मॉनसून से पहले नालों की सफाई का काम पूरा करने का दावा किया गया था। शहर में मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही कई जगहों पर पानी भरने की शिकायतें भी सामने आई हैं।